नूह मेवात हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो हरियाणा में जो हरियाणा नूह मेवात में जो हिंसा हुई है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस जो यात्रा में शामिल थे, यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को जिम्मेदार ठहराया और उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो बताओ इस पूरी खबर के बारे में। जी, हरियाणा के इलाका मेवात के जिले नूह से जो हिंसा शुरू हुई थी वो आसपास के कई इलाकों को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। इसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों हाँ लोग अब इस मामले में पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। जी तो इस हिंसा को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हाँ साफ तौर से कहा है कि ये जो यात्रा निकाली गई थी इसकी पहले हाँ से यानी जानकारी नहीं दी गई थी कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे। हाँ तो कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ही ये पूरी दुर्घटना हुई है। और इसमें उन्होंने हाँ आगे कहा कि इसमें जो तमाम लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ और लेकिन आगे इसके ये भी उलट कहा है है जो जी कि मेवात का जो इतिहास है वो हाँ आपसी भाईचारे का रहा है और मेवात के लोग हाँ हमेशा देश के साथ रहे हैं, देश की तरक्की में उन्होंने अपना योगदान दिया है। हाँ तो इसमें उन्होंने साफ तौर से जो यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनको जिम्मेदार ठहराया है, उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन इसके उलट है जो गृह राज्य मंत्री है अनिल विज, वो तो कुछ और ही बात बोल रहे हैं। उन्होंने तो सबसे पहले मोनू मानेसर को क्लीन चिट दी है। हालांकि जी गृह राज्य मंत्री अनिल विज ने जो बयान दिया है उस हाँ पर तमाम लोग हैरानी भी जता रहे हैं कि बगैर जांच के उन्होंने मौन मानेसर, जिनको इन हिंसा का मुख्य जिम्मेदार तक बताया जा रहा है, क्योंकि उनका जो वीडियो है वो सबके हाँ सामने है और वो हाँ काफी हाँ ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जो यात्रा से पहले उन्होंने बनाया था, उसके बावजूद उनको शुरुआत में उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेवात में हिंसा हुई है इसको लेकर बीजेपी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। यकीनन बीजेपी में इसमें फूट दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ जी लोग वो हैं जो इनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हाँ एक तरह से इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह से इनका नाम तक नहीं ले रहे हैं, चाहे वो मौनू मानेसर हो और इसके अलावा बिट्टू बजरंग, उसका भी एक वीडियो मौजूद है। बहरहाल ये जो हिंसा हुई है इसका जो संदर्भ है, जो घटनाक्रम है, उसको जानने की जरूरत है और उसी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने ये बयान दिया था कि पहले से ना इसकी कोई जानकारी दी गई थी कि कितने लोग इसमें आएंगे।